हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चूहों के अनोखे मंदिर का रोचक इतिहास। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। करणी माता एक हिंदू महिला ज्ञानी थी जिसका जन्म चरण जाति में हुआ था। लोग उसे हिंदू देवी दुर्गा का रूप मानते थे। वह जोधपुर और बीकानेर के शाही परिवार की देवी थी। एक तपस्वी बनकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था और उस समय में लोग उनका बहुत आदर और सम्मान भी करते थे। बीकानेर के राजा महाराज की प्रार्थना पर ही उन्होंने उनके राज्य के दो महत्वपूर्ण किलों की नींव रखी थी। राजस्थान में बीकानेर के पास उनके नाम का एक छोटा सा मंदिर भी है और यह मंदिर उनके घर से ओझल हो जाने के बाद ही बनवाया गया था। करणी माता मंदिर सफ़ेद चूहों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सफ़ेद चूहों को वहां के लोग पवित्र मानते हैं और कहा जाता है कि वे मंदिर की सुरक्षा करते हैं। इसके विपरीत इस मंदिर का जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है। उनके महान कार्य को देखते हुए उन्हें समर्पित करते हुए एक और मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन दूसरे मंदिर को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। लेकिन दूसरे मंदिर में हमें करणी माता के पदचिन्ह जरूर दिखाई देते हैं। करणी माता को नारी बाई के नाम से भी जाना जाता है। करणी देवी एक योगियों और ज्ञानियों की तरह अपनी बची हुई जिंदगी को व्यतीत करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने गांव के बाहर ही जंगल में अपना एक टेंट डाला, लेकिन उस जगह के शासक के नौकर ने उन्हें पानी देने से मना कर दिया। लेकिन वहां अनेक श्रद्धालुओं का मानना था कि करणी देवी साक्षात माँ जगदम्बा की अवतार थीं। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर बना था, वहाँ एक गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। माँ के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छानुसार उनके मूर्ति की इस गुफा में स्थापना की गई। बताते हैं कि माँ करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई। माँ के अनुयायी केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में हैं, जो समय समय पर यहाँ मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं। संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखती ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। वहां जैसे ही दूसरा गेट पार किया तो चूहों की धमाचौकड़ी देखकर दंग रह गए। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करणी माँ की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी देवी का यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि कृषि श्रद्धालु को यदि यहाँ सफेद चूहों के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और सायं 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। करणी माँ की कथा एक सामान्य ग्रामीण कन्या की कथा है, लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी हुई बताई जाती हैं, जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंध रखती है। बताते हैं कि संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी शुक्रवार को ही को श्री करणी ज्योतिर्लीन हुई थी। संवत 1595 की चैत्र शुक्ला 14 से यहाँ श्री करणी माता जी की सेवा शुरू होती चली आ रही है। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। माँ करणी मंदिर तक पहुँचने के लिए बीकानेर से बस, जीप व टैक्सियाँ आसानी से मिल जाती हैं। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन के पास ही है यह मंदिर। वर्ष में 2 बार नवरात्रों पर चैत्र व आश्विन माह में इस मंदिर पर विशाल मेला लगता है, तब भारी संख्या में लोग यहां पहुंचकर मनौती मांगते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर के पास धर्मशालाएं भी हैं। माँ करणी चूहे वाले मंदिर के लिए वहां जाने वालों की मनोकामना पूरी होती है। करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में हमें सफ़ेद चूहे दिखाई देते हैं। यदि गलती से किसी चूहे की मृत्यु हो जाती है, उसी जगह पर एक चांदी वाला चूहा रख दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ तकरीबन
20,000 चूहे रहते हैं। दोस्तों, चूहों के अनोखे मंदिर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।